नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक 24 सितंबर को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में होगी। बैठक में नेता 12 मार्च 2021 को ही बैठक के बाद के प्रोग्रेस की समीक्षा करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से लड़ रही है। महामारी के बीच मार्च महीने में क्वाड वैक्सीन अभियान की शुरुआत की गई थी। ऐसे में इस बैठक में इस अभियान की समीक्षा की जाएगी, साथ ही साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उभरती तकनीक, समुद्री जीवों की सुरक्षा, आपदा में मानवीय सहयोग, पर्यावरण के बदलाव और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए के 76वें सेशन को भी 25 सितंबर को संबोधित करेंगे, जो कि न्यूयॉर्क में आयोजित होगी। माना जा रहा है कि अमेरिका के दौरे के दौरान पीएम मोदी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। इसके बाद पीएम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। आइए आपको बताते हैं आखिर ये क्वाड है क्या। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। ये एक रणनीतिक मंच है जहां सदस्य देश आपस में शिखर सम्मेलन, सूचनाओं का आदान प्रदान और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। क्वाड को आलोचकों के जरिए चीन के खिलाफ जुगलबंदी के तौर पर पेश किया जाता रहा है। हालांकि भारत और इसके दूसरे सदस्य देशों ने रूस और अन्य देशों के ऐसे आरोपों को खारिज किया है। रूसी विदेश मंत्री ने इसे एशियन नाटो तक कहा था। नाटो अमेरिका की अगुवाई में तमाम यूरोपियन देश के साथ बना एक सैन्य संगठन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।